हेलो फ्रेंड्स, इंडिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्थापना और गठन के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत के वर्तमान उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में की गई। मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, जो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश के साथ 34 हो गई है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन का अधिकारिता न्यायाधीशों की संख्या, वेतन एवं सेवा शर्तों को निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना शपथ ग्रहण राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अपने स्थान पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष ही करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं से त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह का वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव क्या है। दुर्व्यवहार, अक्षमता या कदाचार का दोष सिद्ध होने पर संवैधानिक उच्च पदाधिकारियों को पदमुक्त करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम लोकसभा के 100 एवं राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। विशेष बात यह है कि अभी तक भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लाया नहीं गया है। तो आइए अब जानते हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है, जो इस प्रकार है। जैसे भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विषयों पर विवाद हो। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय के साथ साथ राज्य के उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से संबंधित विवाद पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा सीधे उच्चतम न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी, तीसरा फौजदारी और चौथा विशिष्ट। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रस्तुत करता है। अभिलेख न्यायालय के 2 आशय हैं। प्रथम, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी रूप से स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अन्य न्यायालय को अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 22 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण
परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेरण का लेख जारी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायिक क्षेत्र प्रशासन का अधिकार। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक क्षेत्र के प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 146 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा उनकी सेवा शर्तों निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस विषय में यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उसे निर्देश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के न्यायिक प्रशासन के संबंध में भी निर्देश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र की व्यापकता को देखकर ही भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी M.C. सीतलवाड़ ने कहा था कि इस न्यायालय के न्याय क्षेत्र तथा उसकी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों से व्यापक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग उच्चतम न्यायालय के कार्य तथा अधिकार क्षेत्र को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद।